हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक अलग स्पेशल चैनल क्रिएट किया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, प्लस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप वो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, टांगों में, कान में, जांघ में या हाथ में। तो टीबिया हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? ये पाई जाती है टांगों में, ठीक है। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, ठीक है, स्टेपीज जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मनुष्य में रक्तचाप ये नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आसान प्रश्न है और ये हो जाएगी कितनी, 46। मानव शरीर में ब्लड बैंक कहाँ पाया जाता है? प्लीहा में, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, यकृत में, अग्नाशय में या बड़ी आंत में। तो ब्लड बैंक कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लीहा में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी 30 के 30 प्रश्न को आपको अच्छे से याद कर लेना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? चार ऑप्शन है, टाइफाइड, डायबिटीज़, मलेरिया या टीबी। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ये है डायबिटीज़। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। प्रश्न है आपके सामने, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है ये है ऑक्सीजन, ओ है इसका सिंबल। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? आसान प्रश्न है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम जिस प्रक्रिया पर आधारित है वो है क्या? नाभिकीय विखंडन, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये है कौन सी? प्राकलन समिति। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से वृद्धि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो यह है किसको अधिकार? राष्ट्रपति को, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। बाल श्रम का संबंध किस अनुच्छेद से है, किस आर्टिकल से है? चाइल्ड लेबर का रिलेशन। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में? तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहाँ पर? लोकसभा में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया? आसान प्रश्न भी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य या प्रस्तावना। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा मूल अधिकार, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? 0 times, ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लागू किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है।
नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। विश्व पर्यटन दिवस की बात हो रही है तो यह है 27 सितंबर। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1983 में, 1984 में, 1985 या 1986 में? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था कब? 1986 में। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले जीके और करंट अफेयर के 3 वीडियो इम्पॉर्टेंट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी इम्पॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, प्लस मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये कहाँ पे किया था इन्होंने? ये किया था ना पावापुरी में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो वेद है इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। आपको पता है 4 इंपॉर्टेंट वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म बिहार में हुआ है। बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनकी यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये बनाया गया है कहाँ पर? ये बनाया गया है गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया गांव में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बुक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, बिहार से रिलेटेड थे, बिहार में जन्म हुआ था राजेंद्र प्रसाद का। गुप्तकाल के किस शासक को कविराज कहा गया? तो ये कहा गया किसको? समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? क्योंकि ये पहला समुद्री संग्रहालय है तो आपको पता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? लोथल, जो कि यह है कहाँ पर? यह है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। कोलार स्वर्ण खदान कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी या मध्य प्रदेश? तो कोलार स्वर्ण खदान कहाँ पर स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु यहाँ की राजधानी, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की है भोपाल। पुदुचेरी की कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। फिरोज़ाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है। फिरोज़ाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। और बात की जाए चमड़ा उद्योग, तो कानपुर और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला हेल्थ एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है, हेल्थ एटीएम की बात हो रही है क्योंकि पहला हेल्थ एटीएम है, तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 ऑप्शन है, लखनऊ, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम या दिल्ली? तो पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है कहाँ पर? लखनऊ में। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? यह किया गया दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया एंड जापान 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जापान की कैपिटल टोक्यो। मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में केयर फॉर यू ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IIT गुवाहाटी, खड़गपुर, IIT गांधीनगर या IIT बॉम्बे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा,
वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लस जो चैनल क्रिएट किया गया है मैथ्स और रीजनिंग के लिए उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।